हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोग सभी ने एक नदी को देखा होगा। नदी का अगर एरिया बड़ा होता है, मान लिया जाए ये नदी का जो एरिया है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। यहाँ लिक्विड क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, पानी जो क्या हो रहा है वो बह रहा है, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा इसका एरिया होगा उतना ही कम इसमें फोर्स लगेगा, है ना। और अगर इस एरिए को अगर घटा दिया जाए, इस एरिए को अगर घटा दिया जाए तो आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए अब इसका एरिया हम लोग क्या कर दिए, कम कर दिए। तो इसका एरिया कम होने के कारण इसमें लिक्विड जो होगा वो फॉल होना तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। इसका देखिए, नदी का किनारा जो होता है वो हर एक जगह पर फिक्स नहीं होता है, कहीं पर बड़ा, कहीं पर छोटा, कहीं पर बहुत ही पतला होता है। तो वहाँ पर जो लिक्विड का फॉल होता है वो बहुत ही तेज़ हो जाता है ना। जहाँ पर पतला हो गया, जैसे लिक्विड का फॉल यहाँ पर पतला हो गया, तो आपका यहाँ पर फोर्स जो होगा तेज़ी से लगने लगेगा, ठीक है। यहाँ से लिक्विड जो होगा तेज़ी से बहने लगेगा, ठीक है। और अगर यही लिक्विड का अगर थोड़ा सा साइज बड़ा कर दें, ठीक है, दूसरा किनारा जो इससे हल्का बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा, तो पानी का ठहराव जो होगा वो दूर दूर तक, और इसमें कम फोर्स लगेगा, है ना। तो यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ईटा, ईटा इक्वल टू एफ बाई ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स, जिसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, बहुत को आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा डायरेक्ट फोर्स लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये फोर्स नहीं है, आपका टेंजेंशियल फोर्स है, है ना, टेंजेंशियल फोर्स है। और यहाँ पर एरिया डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया, ग्रेडियंट वेलोसिटी। तो ग्रेडियंट वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो आपका जो फॉल है, फोर्स है, वो कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यही डिस्टेंस कम हो गया तो आपका क्या होगा कि वेलोसिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ वो क्या करेगा, अपने वेलोसिटी को चेंज करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इक्वल टू एफ बाय ए डी वी बाय डी एक्स। तो यहाँ पर ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ईटा, ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एन एस बाय मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायमेंशनल, हमेशा आप लोगों को ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा, इसका एसआई यूनिट पूछा जाएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पावर वन, एल का पावर माइनस वन, टी का पावर माइनस वन, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, जो आप लोग को हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी भी ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक के लिए आपको ये दो चीज़ पता होना चाहिए, एसआई यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। पहले तो इसका हम लोग डिफिनेशन करेंगे, डिफिनेशन करने के बाद फिर से इस डेरिवेशन को करेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसी डेरिवेशन को हम लोग फिर से करेंगे कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे आया। इन शॉर्ट में बता दिया कि ये टॉपिक था क्या, ये बेसिक फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट क्या है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन करते हैं। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लोगे या फिर साइड में नोटिस कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका डिफिनेशन। चलिए कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ में लिखते भी चलना है। दी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा, एन नहीं है ना, याद रखना है, ईटा इज डिफाइंड एज। देखिए यहां तक एक लिखने का तरीका हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज डिफाइंड एज। आप लोग चाहोगे तो लिख सकते हो और अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको आंसर बड़ा लगता है वो यहाँ के बाद से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक है, एक स्टैंडर्ड है क्वेश्चन लिखने का, ठीक है। चलिए
टेंजेंशियल फोर्स, द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स, टेंजेंशियल विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड लेयर, लेयर्स कर दीजिए, लेयर नहीं होगा यहाँ पर, लेयर्स हैविंग यूनिट विस्कोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा यहाँ पर, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट इज डिनोटेड एज ईटा, है ना, याद रखोगे ईटा। ये इसका हो गया बेसिक डिफिनेशन, ठीक है। द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड लेयर हैविंग यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट इज डिनोटेड एज ईटा, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था कि ईटा इक्वल टू एफ बाय ए डी वी बाय डी एक्स, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर क्या है, ईटा इक्वल टू एफ बाय ए डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टेंजेंशियल विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड लेयर हैविंग यूनिट एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, किसका किसका, देखिए ईटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फोर्स नहीं है, याद रखना है फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल विस्कस फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एफ बाय ए क्या हो गया, एरिया, और डी वी बाय डी एक्स क्या हो गया आपका, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, है ना। इसको डिनोट करें किससे, ईटा से, ठीक है। तो ईटा आप लोग को याद रहेगा नाम, चलिए अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, डिफिनेशन आप लोग लिख लोगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लोग अभी प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, तो एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसके, ए डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल टू ईटा, देखिए इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटा करके हम लोग ईटा यूज किए हैं, ए डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ईटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ईटा इक्वल टू एफ बाय ए डी वी बाय डी एक्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। वेयर, यहाँ पर वेयर करके लिखोगे आप लोग, है ना, वेयर ईटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, एन एस बाय एम स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एसआई यूनिट हो गया, और ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे आप लोग, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा है ना, एन नहीं है, एन देखिए इसका जो होगा ये इस तरह का सेफ होगा, है ना। ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पावर वन और एल का पावर माइनस वन और टी का पावर माइनस वन, ठीक है। ये इसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई होप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होगा आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझने के लिए पूरा आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, एफ इक्वल ईटा इक्वल टू एफ बाई ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको आपको अच्छे से डेरिवेशन करना होगा, तीन लाइन का डेरिवेशन है तीनों, अगर ये आपको अगर पता होगा एफ प्रोपोर्शनल ए डी वी बाई डी एक्स, तो पूरा ये डेरिवेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है ना,
और इसका डिफिनेशन जो मैंने समझाया उसको भी आप लोग कर लोगे, है ना। तो ये हो गया आपका कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी तरह से मैंने क्लास 11th के बहुत सारे वीडियोस जो हैं हर एक चैप्टर के अपलोड किए हुए हैं, चाहोगे तो आप लोग मेरे पिछले वीडियोस में जा करके देख सकते हो, ठीक है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे वीडियो में जहाँ भी आप लोग मेरे चैनल पर जाओगे तो सारा वीडियो जो होगा लाइन बाय लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई बच्चे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग फिजिक्स अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।